अगर 7 महिला पहलवानों ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जो उनकी शिकायतों में FIR की शक्ल में दर्ज है, उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह में ऐसी क्या बात है कि सरकार बचाने में चुकी है? और ऐसी क्या वजह है कि पहलवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की आज की हेडलाइन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसका अनुवाद ट्रांसलेशन आपको करके बताऊंगा। और जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था, एक एक महिला पहलवान ने जो कहा है FIR पढ़ते वक्त रूह कांप सकती है, सोचकर कि किन परिस्थितियों से वो लड़कियां गुजरी होंगी जो देश के लिए मेडल जीतने के लिए जी जान लगाती हैं मैदानों में, देश के मैदानों में और विदेश के जमीन। उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उसमें एक नाबालिग भी है, उसमें वो पहलवान है जो तिरंगा लेकर जब मैदान में उतरती है तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा होता है। लेकिन उन बेटियों के साथ क्या सलूक करता रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह? ये बयान उन बेटियों ने किया, सुनिए कौन से एक्सप्रेस की हेडलाइन है। डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स की मांग की गई। एटलीस्ट 10 केसेज ऑफ मोलेस्टेशन डिटेल्ड इन 2 FIRs अगेंस्ट ब्रजभूषण। कम से कम 10 ऐसे मोलेस्टेशन के मामले हैं उस 2 FIR में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। 10 मामले, 7 महिला पहलवान, डिटेल्ड सब कुछ FIR में लिखा गया है। अब जो लिखा गया है उसको मैं एक्सप्रेस के हवाले से बताता हूं। एक सब हेडिंग है, ही ऑफर्ड टू बाय मी सप्लीमेंट्स इफ आई गेव इन टू सेक्सुअल एडवांसेस। उसने मुझे सप्लीमेंट्स खरीद कर देने का वादा किया या देने की बात की अगर मैं सेक्सुअल फेवर के लिए तैयार हो जाती। ये भी एक लड़की ने कहा है, बहुत विस्तार से है, अब आप गौर से सुनिए और सुनते वक्त समझिए कि किन परिस्थितियों से वो बेटियां मैदानों में ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर या जहां भी उसकी मौजूदगी रही, होटल में, रेस्टोरेंट में, उसके रूम में गुजरी है। ये गौर से सुनना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग जो ये मान रहे हैं कि वो बेदाग है, पाक साफ है, वो बयान जब देता है कि मुझ पर आरोप साबित हो जाए तो मैं खुद फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, वो बयान देना और लड़कियों का ये बयान, आपको अब तय करना होगा कि ब्रजभूषण सिंह सही बोल रहा है, आप उधर हैं या इन लड़कियों के साथ हैं जिन्होंने ये कुछ कहा। एक्सप्रेस के हवाले से हूबहू हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं, लड़कियों की शिकायतों के आधार पर और इसमें 7 लड़कियों ने FIR में क्या क्या कहा है वो अलग से भी एक्सप्रेस ने छापा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कम से कम 10 ऐसे मौके हैं जब सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की गई। यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 10 मामले गलत मंशा से टच करना, मोलेस्टेशन और ब्रेस्ट पर हाथ लगाना शामिल है। इसकी वजह से खिलाड़ियों में डर और शॉक की वजह से मेंटल ट्रॉमा से खिलाड़ियों को गुजरना पड़ा। दूसरी FIR एक नाबालिग लड़की के पिता की तरफ से है जो पॉक्सो के तहत दर्ज है, जिसमें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। नाबालिग के मामले में पिता की तरफ से कहा गया है कि उसकी बेटी बुरी तरह से डिस्टर्ब है और ब्रजभूषण सिंह की तरफ से किया गया यौन उत्पीड़न उसे आज भी हॉन्ट करता है। नाबालिग की तरफ से FIR में कहा गया है कि तस्वीर खिंचवाने के लिए ब्रजभूषण ने उसे जोर से खींच लिया, कंधे पर हाथ रखते हुए अपना हाथ ब्रेस्ट तक ले गया। ये सब खबर का ट्रांसलेट करते वक्त, पढ़ते वक्त कई बार मैं थमा, हिटका, क्या परिस्थिति होगी उस लड़की के साथ और किन हालातों से वो लड़कियां गुजरी है। जब पढ़ते समय मेरी ये बेचैनी है तो समझ सकते हैं उन लड़कियों में कितनी बेचैनी होगी और उसकी तरफ दूसरी तरफ सरकार में सन्नाटा। तो इस लड़की ने कहा, उस लड़की ने ब्रजभूषण को साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती, उसका पीछा छोड़ दे। ये उस नाबालिग लड़की की तरफ। अब जो 6 महिला पहलवान हैं, उसने क्या क्या कहा, सिलसिलेवार ढंग से एक एक महिला पहलवान के हवाले से सुनिए जो FIR में था। पहली लड़की, पहला पहलवान, किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है क्योंकि ऐसे मामलों में आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती। पहली पहलवान, एक दिन जब मैं डिनर के लिए होटल के रेस्टोरेंट में थी तो ब्रजभूषण ने मुझे अलग से अपने डिनर टेबल पर बुलाया। मैं शॉक्ड हो गई जब उसने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया, फिर मेरे पेट तक अपने हाथ ले गया और वो इतने पर भी नहीं रुका। ऐसा उसने 3-4 बार किया। अपने ऑफिस में भी उसने बिना मेरी सहमति के शरीर के कई अंगों को टच किया, पाम, नी, थाई और शोल्डर को छुआ। जब मैं बैठी थी तो वो अपने पैर से मेरे पैर को टच कर रहा था, ऑफिस का जिक्र कर रही है वो। ब्रीदिंग चेक करने के नाम पर उसने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रखा और पेट तक अपना हाथ ले गया। उसका एकमात्र मकसद था मेरा यौन उत्पीड़न करना, पहली पहलवान। दूसरी लड़की ने कहा है, जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तभी ब्रजभूषण सिंह मेरे कोच की गैर मौजूदगी में आया और ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया और अपने हाथ को मेरे पेट तक ले गया। एक बार उसने अपने दफ्तर में भी मुझे बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, मेरे भाई को बाहर ही रुकने को कहा गया। वहां भी ब्रजभूषण ने मुझे अपनी ओर जोर से खींचा और जबरन फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की। सुनते जाइए, जो लोग अभी बेदाग मान रहे हैं ना और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। तीसरी पहला बात, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, मेरे पेरेंट्स से बात कराने के लिए अपने फोन से उसने बात कराई। तब ब्रजभूषण मुझे बेड के पास बुलाया जहां वो बैठा था और अचानक उसने मुझे हग कर लिया। उसने मेरे लिए सप्लीमेंट खरीदने की बात कहकर सेक्सुअल फेवर की मांग की। ये वो लड़की कह रही है जिसने गोल्ड मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जिस रात उसने जीता है उसी रात की ये कहानी है। उस लड़की को जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अपने कमरे में थी, आराम कर रही थी, तभी एक फिजियोथेरेपिस्ट ने आकर बताया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह आपसे मिलना चाहते हैं।